नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी नेचुरल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इच्छाओं को पूरा करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं अपने चैनल पर आपके साथ में बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे उपाय शेयर कर चुकी हूँ जो कि कहीं ना कहीं सभी के लिए हेल्पफुल है और बहुतों की मदद भी हुई है। पर तो कई लोग हैं जो कहते हैं हम तो सब कुछ कर लिया तो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, सब कुछ करके देख चुके हैं, सब कुछ कर लिया है फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं लोगों को एक चमत्कारी मंत्र के बारे में बता रही हूँ। चमत्कारी मंत्र है जिसकी आपको सिर्फ चैंटिंग करना है, मतलब सिर्फ उसे मन ही मन में बोलना है। सिर्फ एक शब्द का ऐसा मंत्र जिसकी मदद से आपकी सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं हो जाएगी पूरी, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपको वो मंत्र बताने से पहले, वो शब्द बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप ऐसी मनोकामना करते हैं कि मुझे कल की कल में 50,000 रुपए कहीं से मिल जाए या मेरी लॉटरी लग जाए, तो देखो ऐसी जो मनोकामनाएं होती है ना इनका पूरा होना असंभव होता है, ठीक है, शायद ही इस तरह की मुमकिन हो। पर हाँ, जैसे कि मुझे अचानक से कहीं से 5,000 रुपए मिल जाए, 10,000 रुपए मिल जाए, ऐसी तो हो सकती है। पर एकदम बड़ी वाली मनोकामनाएं, बड़ी वाली इच्छाएं रखना एकदम पॉसिबल नहीं होता। अगर आप जैसे मनोकामना करते हैं या इच्छा करते हैं कि ये मैं करते से ही कल की तारीख में मेरे प्यार से मेरी शादी हो जाए, मतलब मेरी लव मैरिज कल की तारीख में ही हो जाए, तो ऐसा भी नहीं संभव। हाँ ये संभव है कि अगर आप इसे 1 महीने तक करते रहेंगे तो जरूर आपकी लव मैरिज भी हो जाएगी। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जिससे आपके पेरेंट्स या फिर जो भी रुकावट आ रही है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा अब बातों को ना खींचते हुए आपको बता देती हूँ वो चमत्कारी मंत्र या चमत्कारी शब्द। वो शब्द विघ्नेश्वराय। विघ्नेश्वराय, आपको क्या करना है, आपके मन में जो आपकी इच्छा है इसको पहले तो आपको एक चीज बैठा लेना है दिमाग में कि वो चीज आपकी ही है। दिमाग में अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग रहेगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता और ऊपर से आप इसके लिए कर रहे हैं ये वाली प्रोसेस, तो वो संभव नहीं है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी थोड़ी सी भी है तो फिर कोई भी मैं क्या, कोई भी उपाय आपको, कोई भी इंसान आपकी सफलता नहीं दिला सकता, ठीक है। तो आपको अंदर से तो पॉजिटिव रहना है और साथ में आपके मन में हर टाइम, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम निश्चित नहीं है, कोई जगह निश्चित नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आपके से कोई बोल नहीं रहा है, आप चुपचाप है, तो बस मन में एक ही शब्द चलते रहना चाहिए, विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय, ठीक है। मन में आपके दिमाग में आपकी वो जो चीज है जिसको आप पाना चाहते हैं उसकी तो पिक्चर क्लियर होना चाहिए, वो आपके सामने बिल्कुल दिखता हुआ होना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, और विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय। देखिए इसको करके आपको 100% आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आपके अंदर फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, उस चीज को पाने की पूरी लगन है, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस मंत्र के भरोसे, शब्द के भरोसे बैठे रहे और कर्म कुछ ना करें। किसी भी चीज को करने के लिए या फिर किसी भी चीज को पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। ये सारी इच्छाएं, ये जो सारी मैं प्रोसेस बताती हूँ, ये आपको एक सपोर्ट का काम करती है, एक बैक सपोर्ट लग जाता है और साथ में आपको आपके कर्म भी करने पड़ते हैं। तो इसको करके आप अपनी किसी भी जो मनोकामना है उसको पूरी करने में एक क्या कह सकते हैं, एक बूस्ट ला सकते हैं कि बहुत जल्दी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप भी इसे करके देखें। और हाँ, क्या रिजल्ट मिलता है, कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है, मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी कई हेल्पफुल टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक अपना रखिएगा ध्यान, आप इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।